दोस्तों, इससे पहले ही कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप अपना जवाब अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, क्या आपको इस बात पर यकीन होगा कि भैया केजीएफ के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़ दिया है सुल्तान की फिल्म भैया विक्रांत रोना ने? अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो भाई चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भैया कैसे विक्रांत रोना ने यह कारनामा पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कर दिखाया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के रियल सुल्तान यानी कि किच्चा सुदीप सर की फिल्म विक्रांत रोना सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, और भाई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारते ही पहले दिन धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रॉकी भाई के फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी कि भैया विक्रांत रोना कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसने भैया पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में अपना नाम अंकित करा लिया मेरे भाई। तो भाई ये टॉप 5 फिल्में कौन सी हैं और भाई कैसे केजीएफ से आगे निकल चुकी है विक्रांत रोना, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके इन फिल्मों के कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, इस टॉप 5 की लिस्ट में पांचवें नंबर पर जो फिल्म है भाई, वो फिल्म खुद सुल्तान की फिल्म यानी कि द विलन है। यानी कि किच्चा सुदीप सर की इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन किया था कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो वो आंकड़ा था 20 करोड़ का। इसके बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो है रॉकी भाई की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि केजीएफ का चैप्टर 1, जिसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 25 करोड़ का। और भाई इसी फिल्म के कलेक्शन को पीछे करते हुए विक्रांत रोना पहले दिन आगे निकल चुकी है बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में। यानी कि भैया विक्रांत रोना को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 26 करोड़ 49 लाख रुपीस का। यानी कि इस कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म जो है वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में तीसरे पोजीशन पर आ चुकी है। और भाई इससे आगे जो दो फिल्में हैं वो फिल्म है भैया जेम्स और केजीएफ का चैप्टर 2। यानी कि भैया दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो है स्वर्गवासी पुनीत राजकुमार की फिल्म यानी कि जेम्स, जिसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 32 करोड़ का। और भाई इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो फिल्म है भाई वो तो भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन शानदार फिल्मों में से एक यानी कि केजीएफ का चैप्टर 2 है, जिसको पहले दिन ऑफिस पर कलेक्शन मिला था 165 करोड़ का। यानी कि भैया इस बेहतरीन कलेक्शन के माध्यम से भैया बहुत जोरदार मुक्का मारा है बॉक्स ऑफिस पर किच्चा सुदीप ने। यानी कि भैया उन्होंने अपनी इस फिल्म के माध्यम से यह बात प्रूव कर दी है कि भाई उनकी इस फिल्म को लेकर भले ही इस वक्त काफी नेगेटिविटी फैलाई गई हो, लेकिन इस फिल्म को ऑडियंस का बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार मिला है, जिसकी वजह से इस फिल्म ने भाई केजीएफ के चैप्टर 1 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया मेरे भाई। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया सुल्तान ने तो अपना पावर सिद्ध करके दिखा दिया है बॉक्स ऑफिस पर, अब आपको क्या लगता है ये फिल्म कितनी जल्दी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी, और उसके बाद ये फिल्म क्या 200 से 300 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच पाएगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ल्ड जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।